भारतवासी समझ गए हैं कि ये लुटेरे अब तक हमें लूट रहे थे और हम लूट रहे थे। मिलोर्ड, सबूत ये है कि इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में आईफोन की सेल आधी रह गई है। जी हाँ, दो बार हो गया, पर खुशी में मैं बावड़ा हुआ जा रहा हूँ। करते थे जब एप्पल आईफोन को लेने के लिए भारत में इतनी लाइन लगी रहती थी, इतनी तो बाढ़ पीड़ित में जब खाना बटता है ना तब भी नहीं हुआ करती थी। लोग तकिया टिफिन लेके भैया लाइन में लग जाते थे कि आज मैं आईफोन लेके आऊंगा। और आज का ये दिन है कि जितने भी मल्टी ब्रांड स्टोर हैं, इवन एप्पल के 3 जो रिसेलर प्रीमियम रिसेलर हैं, उन पर भी जितने भी स्टॉक थे आधे रह गए हैं, मतलब आधे बिके ही नहीं है। वो यूके यू ही रखे हैं, उन्हें कोई खरीदने नहीं आया, और जिन्हें बुक किए हैं वो भी लेने नहीं आए। बताओ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आईफोन से इतना चिढ़ते क्यों? नहीं भैया, ना आईफोन से नहीं चिढ़ता, ना बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, बट मैं उन गधों से जरूर चिढ़ता हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते आईफोन, जिनके बस की नहीं है, 1,00,000 रुपए की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन कर्जा पानी करके या दोस्त से मांग के ऐसी तैसी मरा के लेते हैं आईफोन। क्यों लेते हैं पूछो, मैं बताता हूँ। उनके यार दोस्त ने किसी ने ले लिया होगा और अब उनकी ईगो पे लग गई बात, या किसी लड़की वड़की को इम्प्रेस करने के लिए आईफोन लेना है, टशन मारना है बस। उनको घंटा कुछ नहीं पता आईफोन के बारे में, लेकिन टशन मारने के लिए, झूठे दिखावे के लिए आईफोन लेते हैं कर्जा करके। वाह यार, मुझे एक बात बताओ, कर्जा पानी करके 1,00,000 रुपए तुम लोग अरेंज करते हो, आईफोन लेते हो क्यों? ताकि कोई ये कह दे कि अगले के पास आईफोन है। वाह भैया, जब तुम निकलते हो ना तो पीछे से ये भी कहता होगा कि साले के बस की तो था नहीं, कहीं से मांग तूंग के कर लिया होगा या किसी का मार लिया होगा। ये भी कहते हैं ऐसे झूठे दिखावे का कोई फायदा नहीं है। यदि आप महीने के 50,000-70,000 रुपए कमाते हो तो खूब लो आईफोन, कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े जोड़ के आप ले लो आईफोन, 2 महीने के 3 महीने की तनख्वाह जोड़ के आप आईफोन ले सकते हो। फिर भी मैं कहता हूँ यदि 1,00,000 रुपए तक आपकी तनख्वाह है तो ले लो, लेकिन 50,000-70,000 रुपए कमाते हो तो भी चलो काम चल जाएगा, लेकिन कमाते हो तुम 10,000-15,000-20,000 रुपए, और कुछ लोग तो वो भी नहीं कमाते, फिर भी 1,00,000 रुपए का आईफोन क्या जरूरत है? नहीं, करना तो तुम्हें फिर भी वही है, कॉल वॉल करनी है, यूट्यूब पर सन्नी लियोनी कटरीना की वीडियो देखनी है, या 2-4 सेल्फी लेके फेसबुक पे डाल के गालियां खानी है, इसके अलावा तो आईफोन से कुछ नहीं करना। तो 1,00,000 रुपए के आईफोन को लेने का क्या लॉजिक है भैया? इससे अच्छा तो ये है कि 1,00,000 रुपए तुम अरेंज ही कर लेते हो तो किसी यार जगह इन्वेस्ट कर दो, दुकान खोल लो, वेबसाइट खोल लो, यूट्यूब पे वीडियोस बना लो, या कुछ ऐसा काम कर लो जिससे और इनकम आए, और मेहनत करो, और जब आप खूब पैसे कमा लो तब खरीदना आईफोन, खुद भी खरीदना, अपनी गर्लफ्रेंड को भी देना, जिसे केवल आईफोन इसलिए लेना है क्योंकि उसके कवर बहुत बढ़िया आ रहे, अगली को ये नहीं पता कि कंपनी का नाम एप्पल है कि आईफोन है, अगली को एंड्रॉइड iOS से कुछ नहीं लेना, लेकिन उसने बस आईफोन लेना है, क्यों? क्योंकि कवर बहुत बढ़िया आते हैं, तो उसे भी दिलाना और खुद भी लेना। बट यदि आप कैपेबल ही नहीं हो यार, कर्जा लेके परेशान हो के, और ऐसे लोग पूछ कह रहे हैं हमारे पैसे दे दो, अगर वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, तो मतलब कर्जा करके 1,00,000 रुपए फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा है? कोई ऐसा कमाल की भी चीज़ नहीं है यार आईफोन की। हाँ भाई, मांग तांग के किडनियों को बेचने की कहानी और ये सब करके आईफोन लेने का कोई लॉजिक नहीं है भाई मेरे। ज़रूरत है, आपके काम की है, आपके बिजनेस की है तो लो, और शौक, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है, भाई साहब शौक में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ भैया, शौक ना खुद कमा के किए जाते हैं, उधार मांग के शौक नहीं करते हैं। यार जब कोई ये कर्जा वर्जा लेके आईफोन वगैरह खरीदता है ना केवल टशन मारने के लिए, दिखावे के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा आता है। लोग खून बेच रहे हैं आईफोन खरीदने के लिए, अगले खून बेच रहे हैं, मुझे मिल जाए ना तो मुंह पर थप्पड़ मारूं। हट, बहुत सीरियस बात चल रही है। हाँ तो मैं कहता थप्पड़ मार दो मुंह पे, खून बेच के आईफोन खरीदो, मैं पागल हो क्या? अब आप ही बताओ, आप परेशान ही तो होते हो, मतलब आपने कर्जा ले लिया तो जिससे भी आपने कर्जा लिया है वो गालियां देता होगा जब पैसे नहीं देते होगे, तो चलो दे देते हो तो कहीं से अरेंज करते हो, परेशानी तो हो रहे हो, आईफोन लेके आपने घंटा उखाड़ लिया,
वही काम कर रहे होगे ना, यूट्यूब देख रहे होगे, फोन वन कर रहे होगे, व्हाट्सएप वगैरह, ये तो आप 10,000 रुपए वाले फोन में भी कर लोगे। जब कैपेबल हो जाओ तो खरीद लेना, कौन मना कर रहा है आपसे। लेकिन नहीं भाई साहब, कर्जा लेके कर लेना ही आईफोन, ऐसा कोई फायदा नहीं है। कर्जा लेके आईफोन लेने का कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई। प्लीज मत किया करो, मत परेशान हुआ करो। चलो छोड़ो यार, हो गया, दो लाइन अर्ज कर देता हूँ, वो सुन लो कि चाहता हूँ आपका भला क्योंकि करता हूँ आपसे प्यार। माना गाड़ी बंगला आईफोन के लिए आपका दिल है बेकरार, बट ऐसी तैसी मरा के लेने का भी तो कोई फायदा नहीं है। बट ये कहने का भी मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा क्योंकि मोदी और आईफोन के अंधभक्तों को समझाना है बेकार। बोलो जय माता दी। रोज सवेरे ए, ए, दीम अंधेरे, ए, ए, घर से भाग।